अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से शनिवार को अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया और जिले में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। जिला सचिव देवेंद्र पांडे की अगुवाई में आहूत इस धरने में मुख्य रूप से महिला अध्यक्ष पूजा मंडल, मीडिया प्रभारी सुलेखा कुमारी, रेणु देवी, दुर्गा देवी, अनिल दास, मोहम्मद कलीम, रूबी परवीन, मोहम्मद अकबर, कंचन कुमारी, गौरी देवी, अखिलेश कुमार, चंदन कुमार, होरिल पंडित, राजू तूरी आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि गिरिडीह में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन महिलाएं घरेलू हिंसा, अत्याचार, दहेज उत्पीड़न आदि की शिकार हो रही है। वहीं कई कमजोर तबके की महिलाओं का जमीन भी हड़प लिया जा रहा है। इन्हें सब मामलों को लेकर यह धरना दिया गया है ताकि सरकार प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचा जा सके। प्रशासन सभी करना बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं पर दहेज उत्पीड़न कांड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी पूरे गिरिडीह जिले में महिलाओं पर उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर दहेज हत्या, महिलाओं से दहेज लेने की मांग, महिलाओं पर घरेलू हिंसा और महिलाओं की हत्या, इस तरह की पूरे गिरिडीह जिले में बढ़ चुका है। पिछले लगातार हम लोग जो बिरनी में जो एकता देवी की हत्या कर दी गई, गला दबाकर मार दिया गया और ये लगता है तीसरा या चौथा बार हम लोग बैठ गए हैं, परंतु बिरनी पुलिस की नींद नहीं जगी है। अब तक वो खुलेआम घूम रहा है। हम यह देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंचन कुमारी के साथ में, बच्ची के साथ में, शीतलपुर में वहाँ पर उसके साथ छेड़खानी की जाती है। हम यह देख पा रहे हैं खुले अभी कालीबाड़ी चौक पर एक सरदारनी के साथ में, एक लड़की बच्ची के साथ में छेड़खानी की जाती है, परंतु वहाँ के जब पुलिस के द्वारा बोला जाता है, इंजुरी रिपोर्ट देते हैं और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम यह भी देख पा रहे हैं कि एक जो डेढ़ दो दो सालों से रह रहा है यहाँ पर लोग, जो यहाँ पर जमीन किसी तरह अपना करके रह रहा है, उसको लुटेरा जो है लूटने की हर तरह की साजिश कर रहा है। हम लोग लगातार डीसी से लेकर ऊपरी तक देते आ रहे, परंतु अब तक नहीं हो रही है। ये हमारी दीदी बैठी, उनकी बच्ची बैठी हुई है, इनकी शादी हुए आज इतना बीत गया, परंतु आज तक इसके पति को यह हिम्मत नहीं कि मैं इसका लालन पालन भरण पोषण कैसे करें। जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो खुद कहता है कि खुद पहुँचा दो, कौन क्या बिगाड़ेगा, सब देख लेंगे। ऐसी ऐसी अपराधियों के मनसूबा इस गिरिडीह ने यहाँ जिले में बढ़ गई है, परंतु यहाँ की पुलिस को लगातार हम लोग आवेदन देते देते थक जा रहे हैं, परंतु पुलिस की कोई नींद नहीं जगती है। शांति, हम लोग शांतिपूर्वक अपना हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार लाल झंडे के तले करते आ रहे हैं। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक इस तरह के पूरे जिले में बढ़ते हुए अपराध में हम लोग लगे हुए हैं, परंतु जब यहाँ आओ तो एक स्पेशल ब्रांच का आएगा कि क्या हुआ, लेके सीधा चल जाएगा। ये तो हम देख रहे हैं भैया, स्पेशल ब्रांच वाला आएगा कि क्या क्या हुआ, आज कहाँ कहाँ से धरना कीजिएगा, हम लोग 11 से 2 करेंगे, लाइए चिट्ठा जाके पैकेट में डाल के उसको फाड़ छोड़ के फेंक देता है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं। अगर हम कहते हैं स्पेशल ब्रांच वाला है तो स्पेशल वाला ब्रांच वाला का काम था कि 24 घंटे के अंदर आके जाँच करता कि भैया आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन यह भी नहीं। इसके पहले एसडीओ मैडम को मैंने लिख के दिया, एसडीओ मैडम बोलती नहीं बैठने देंगे, हमने नहीं बैठने देंगे, बैठेंगे। आज एसडीओ मैडम खुद हम लोग वहाँ पर रिसीविंग करके हम लोग बैठे हुए हैं और इस तरह के महिलाएं यदि बैठी हुई हैं तो जरूर उनके अंदर कोई दर्द है। यदि उनके अंदर कोई दर्द है, रूबी परवीन बैठी हुई तो उसके अंदर दर्द है, तो इन दर्द में हम लोग उसका भाई बनकर, उसके बाप बनकर, उसके भाई से भाई बनकर हम लोग अपना तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक तरीके से जितना होगा इस तरह हम लोग लड़ते रहेंगे। ये हमारा पूरे महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है, महिलाओं के आबरू की बात है, महिलाओं को असम्मत की बात है। अगर इसके असम्मत को, इसके आबरू को, इसके मान सम्मान को कोई नहीं अगर छेड़ने का काम करेगा, हम लोग उसको बख्शने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान क्यों न चल जाए, हम इसके तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी में पूजा मंडल पति आशीष कुमार गुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से आज महिलाओं के ऊपर बढ़ता हुआ उत्पीड़न को लेकर मैं बैठी हूँ। मैं देख रही हूँ हर एक गांव में, हर एक जगह में, हर एक महिला उत्पीड़न और इस तरीके से घरेलू हिंसा से बहुत परेशान है। दो बच्ची को देख रही है, 2 से 3 बच्ची है कि सब लड़का लोग
फ्रॉड करके शादी कर लेता है, दूसरे शादी कर लेता है और लोगों को किसी तरीके से कोई न्याय नहीं मिलता। लड़की को घर पे ला करके पहुंचा देता है, एक बच्चा दो बच्चा हो जाता, बच्चे को छीन लेता और तलाक का लगातार ये सिस्टम बंद नहीं हो रहा। एक शादी कर रहा तलाक दे रहा, दूसरी शादी फिर करने के लिए तैयार हो जाए। जब नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान है कि दूसरी शादी नहीं होगी, तलाक नहीं होगा, तभी तक कहीं यहाँ पर बंद क्यों नहीं होगी? इसका मुझे जवाब चाहिए। थाना परिवारिक के पास जाते हैं, महिला थाना जाते हैं, कहती है जो महिला आवाज उठाती है वो महिला गलत है, फ्रॉड है, दो नंबर महिला है। आप लोग जांच करिए, उसको सिफारिश क्यों करती है बताइए। इसका जवाब एक महिला होकर के इस तरीके से महिला थाना में बोलेंगे तो ये महिला लोग कहाँ जाएगी?